हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर आप छोटा भीम की कार्टून वीडियोस को अपलोड करके उससे महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर छोटा भीम कार्टून वीडियोस को अपलोड करके उससे महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। और चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, फिर भी आपकी अर्निंग होगी उससे, और आपके चैनल पे ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आपका चैनल बिल्कुल सेफ रहेगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेप को मिस कर दोगे फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे कि ये चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं होता। इसलिए आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं YouTube एप्लीकेशन के अंदर। यहां पे मैंने होम पेज ओपन कर लिया और मैं सबसे पहले आपको यहां पे दिखा देता हूं कि इन तरह की वीडियोस जो हैं, कार्टून वीडियोस, इन पे कितने व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पर हम छोटा भीम कार्टून लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक साल पहले डाली थी, यहाँ पर 19 मिलियन व्यूज़ हैं। और यहाँ पर 15 घंटे पहले डाली, 17,000 व्यूज़ आ गए इस पर, अभी एक दिन भी नहीं हुआ 17,000 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। 2 दिन पहले डाली, देखिए 24,000 व्यूज़ आ गए इस वीडियो के ऊपर। और यहाँ पे 2 हफ्ते पहले डाली थी, यहाँ पे 6,59,000 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आए हैं। आप देखिए 2 दिन पहले डाली, 40,000 व्यूज़, कितने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही कमाल का चैनल आइडिया है। वीडियो को बस पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, कैसे आपको क्लिप्स को लेना है, कहाँ से उसमें एडिटिंग करनी है, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हमें अब जैसे ये छोटा भीम कार्टून लिख के मैंने सर्च किया, यहाँ पे टॉप राइट में हमें 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च फिल्टर के अंदर जाना है और यहाँ से क्रिएटिव कॉमेंट्स सेलेक्ट करके हमें अप्लाई करना है। तो यहीं से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्लिप्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ गई, ठीक है। आप जितनी सेकंड की उठाना चाहें, लॉन्ग वीडियो बनाना चाहें लॉन्ग बनाइए, शॉर्ट बनाना चाहें शॉर्ट बनाइए, जैसे आपको बनानी हो। मैं लॉन्ग बनाना बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से बनानी है। जैसे ये है 4 मिनट की, ठीक है, ये आपको जो भी इसमें अच्छी लगे वो यहाँ से आप ले लें, ठीक है। लेते कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ से कोई क्लिप आपने ले ली, अब उसमें आपको एडिटिंग 2 तरीके से करनी है, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, तभी आपकी अर्निंग होगी उससे, क्योंकि इसमें आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से आपकी अर्निंग होगी। तो हमें 2 तरीके से उस क्लिप को एडिट करना है, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हमें ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे काइनमास्टर की एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, तो मैं काइनमास्टर के एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं काइनमास्टर की होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 ये हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें मीडिया के अंदर क्लिक करना है, जो ये मीडिया का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हमने जो भी क्लिप वहाँ से ली थी वो यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मैं जल्दी से उस क्लिप को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस क्लिप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने उस क्लिप को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसकी वॉइस को आपको म्यूट कर देना है, ठीक है, 0 कर देनी है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ये वीडियो शुरू हो रही है, जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से शुरू हो रही है, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से आपको कट कर देना है उससे आगे का, ठीक है, ये ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। और जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी, ये एपिसोड जहाँ ख़त्म हो रहा है वो आपको यहाँ से कट कर देना है, ये पूरा हो गया लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लोगो दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिख रहा पर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको एक लोगो दिख रहा होगा। इस लोगो की जगह आप अपने चैनल का लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पे अपने चैनल का लोगो आपको लगाना है, या आपको इसे जूम करना है तो जूम कीजिए, लेकिन जूम की जगह मैं कहूँगा आप अपने चैनल का लोगो यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उससे ये हट जाएगा और ये वीडियो आपकी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको लोगो लगाना है, दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें थोड़ी सी कलर चेंजेस करने हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आऊँगा, इस पर आया मैं, और यहाँ से आप थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर अगर क्लिक करूँ, देखिए थोड़ा सा कलर अगर हम इसका चेंज करें, थोड़ा थोड़ा कलर हमें यहाँ पे चेंज करना है। जैसे ये कर दिया मैंने, अब बिल्कुल अलग लग रही है ये वीडियो, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कर दूँगा तो और ज़्यादा अलग लग गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइनस कर दिया, ये आपको थोड़े थोड़े इसमें कलर चेंज करने हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे ये थोड़ी सी देखने में अलग लगे। ये देखिए बिल्कुल अलग लगेगी, पर थोड़ी ब्लैक ज़्यादा हो गई इसलिए हम इसे ऐसे कर देंगे वापस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें कलर ग्रेडिंग कर लेनी है। कलर ग्रेडिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसमें काम करना है, वॉइस ओवर करना है आपको यहाँ पे अपना, ठीक है। वॉइस ओवर करेंगे तो आपका चैनल जो है उसमें किसी भी तरह के कॉपीराइट नहीं आएगा, आपको आपकी वॉइस इसमें होगी तो आपका जो यूट्यूब है जब रिव्यू करेगी आपके चैनल को तो वो उसे ऐसा लगेगा कि ये इसका ओरिजिनल कॉन्टेंट है, इसने मेहनत की है, वो उसको दिखाई देगा कि इसने वॉइस ओवर किया है, स्टोरी बनाई है। तो आपको स्टोरी क्रिएट कर लेनी है एपिसोड के बारे में, पहले पूरा एपिसोड देख लेना है कि क्या क्या बोल रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे बोल के उसे रिकॉर्ड कर लेना है। ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते ही रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी वॉइस एडिट करनी है। उसके बाद आपको इसमें एक नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आपके लिए नो कॉपीराइट म्यूजिक अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से जाके नो कॉपीराइट म्यूजिक ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको इस तरीके के कंटेंट या अपडेट्स के बारे में भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे काम कर लेने हैं, एक तो आपको लोगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें अपनी वॉइस ओवर करनी है और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, नॉन कॉपीराइट वाला बैकग्राउंड साउंड इसमें लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ये पूरी जो वीडियो है इसको हम थोड़ी सी कट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से 15 सेकंड की लेके बाकी का आगे का कट कर दूँगा, ठीक है। या यहाँ पे मैं आपको एक मिनट पाँच सेकंड की ले लेता हूँ, 1 मिनट 5 सेकंड की मैंने ली और उससे आगे का पार्ट मैंने ट्रिम टू राइट कर दिया, ये सारा ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये आपको अब ये आपकी वीडियो तैयार हो गई, ठीक है। इसमें आपने सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ये ऊपर जो एक्सपोर्ट है, और इसे एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इसे अपने जो नया चैनल आपने बनाया है उस पर, आपको जो मेन चैनल है उस पर आपको इसे अपलोड करना है। उससे पहले एक काम और करना है आपको, इसमें आपको जब लास्ट में आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इसमें कुछ, तो यहाँ पे मैं वो लिख के बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है वॉच फुल एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वॉच फुल एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, फुल एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये लिख के डन करना है आपको, ठीक है। ये कर दिया आपने, उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड कलर भरना चाहें वो भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे पीछे हम येल्लो कलर लगा लेते हैं, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, फुल बैकग्राउंड विड्थ हो गई, ठीक है, इसको यहाँ कर लेता हूँ। और इसमें और कुछ करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड लगाना चाहूँ इसमें, तो ये इस तरीके से बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे शेडो लगाना चाहें, आउटलाइन करना चाहें, मतलब जिससे इनको जब ये यहाँ पे आए तो इनको ये वीडियो में पता लग जाए कि इससे आगे की जो वीडियो है वो, उसका लिंक हम देंगे अब डिस्क्रिप्शन में, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फुल एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से इसको हम टेक्स्ट कलर का हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक अच्छा लगेगा थोड़ा,
और इसको ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, उसके बाद या बीच में आपको लिखना चाहें आप यहाँ बीच में कर दें इसको, ठीक है। इस तरीके से अब ये हो गया, ये वीडियो तैयार हो गई, आपको एक्सपोर्ट कर लिया इसको और अपने मेन चैनल के ऊपर डाल दिया और इसमें आपने लिखा कि फुल एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब आगे आपको क्या करना है, दूसरी वीडियो एक और एडिट करनी है आपको, वो आपको अपने दूसरे चैनल पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। दो यूट्यूब चैनल आपको बनाने पड़ेंगे। तो एक ये वीडियो हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, आपने इसे एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं दूसरी वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, अब हम फिर से मीडिया के अंदर जाएंगे, आपको दोबारा से नया लेना है, ठीक है। मैं इसी को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी में तो आपको दोबारा दूसरी वीडियो एडिट करनी है, वही सिर्फ काइनमास्टर को ओपन करना है, प्लस पे आना है और फिर से आपको मीडिया के अंदर जाके क्लिप को दोबारा यहाँ पर डाल देना है। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। तो हमारी क्लिप यहाँ पे दोबारा आ गई। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ से आपने कट किया था 1 मिनट 5 सेकंड पे वहाँ पे लेके आना है आपको। 1 मिनट 5 सेकंड कहाँ है हमारा, ये रहा 1 मिनट 5 सेकंड, यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना है। मतलब इतना आपने उस वीडियो में दिखा दिया था, उससे आगे का ये सारा आप यह हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उसमें अपने चैनल का लोगो लगा देना, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको डन करके इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपने दूसरे नए चैनल पे डालना है। और इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक आपको अपने मेन चैनल की जो मैंने आपको अभी सिखाई इससे पहले जो वीडियो एडिटिंग, उसमें उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक को डालना है। वो कैसे डालना है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे बिना मोनेटाइज किए भी इससे पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपने दोनों वीडियोस क्रिएट कर ली, ठीक है, और उसको अपने एक को मेन चैनल पे अपलोड कर दिया और एक को दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद अब आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर हम, यहाँ पे ये हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है, गूगल पे हम आ जाएंगे। गूगल पे हमें एक चीज़ सर्च करनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैं सर्च कर रहा हूँ instantlinks.co, ये लिख के आपको सर्च करना है। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन जो आप करना चाहें यहाँ पे कर लें, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, आप भी इसमें रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास इसका डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू लिंक पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा URL डालेंगे इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो URL आपने, जो दूसरी वीडियो मैंने एडिट करनी बताई थी आपको, ठीक है, जिसमें आगे की वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बस इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना, सिंपल लोगो लगा के एक्सपोर्ट कर देना, ना वॉइस इसमें म्यूट करनी है, कुछ नहीं करना। उस वाली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है। हम YouTube चैनल के ऊपर जाते हैं और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे आपकी वीडियो होगी वो, जो आपने उस YouTube चैनल पर डाली होगी, उस पर 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद आपको वापस अपनी एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे 3 पेज CPM $6 लिखा है, इसको 2 पेज CPM $4 कर लेना है और शॉर्टन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस लिंक को, अब जो ये लिंक बना है इसको यहाँ से कॉपी करना है आपको। कॉपी करके आपको अपने मेन चैनल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो सिखाई थी एडिट, उसमें उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस पर डाल देना है इस लिंक को। और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपकी फुल वीडियो जो देखनी होगी उस पर चला जाएगा उस वाले चैनल पर, और इस लिंक पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर अर्निंग होने वाली है और इस तरीके से आप बिना चैनल मोनेटाइज किए हुए भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।